Chi se la come? ये हैं बीमार, बीमारी से उठ के हाथ देख रहे कांप रहे हैं इसके। ये दवाइयाँ खाने से होता है ऐसे। दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा। इनो ये 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 जो के लिए आई मम्मी, व्हाट इज दिस? ऑफिस में आया था। गूगल एडसेंस अभी बजा आएगा ना भिड़ो वाला हबीबी। ये वाह, इसका भी आ गया गूगल एडसेंस। बधाई हो, बधाई हो। ओए टिंटिन रुक जा, क्यों रहे? फाइनली गूगल एडसेंस आ गया है बस। बीमारी में खुशी मिली। चलो अच्छा, अब इसका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। मम्मी लेके आई है क्योंकि मम्मी के ऑफिस में आया था ये। ये हमारा डाकिया ऐसा है कि वो वहीं देके आता है हमारी सारी चीज़ें। हमारे एड्रेस पे देके नहीं जाएगा। मम्मी को जानता है ना, तो मम्मी को ऑफिस में जाके दे देता है सारी चीज़ें हमारी जो भी आती हैं। वाह, इसको देख के इतनी खुशी होती है ना कि मैं बता नहीं सकता। इतनी खुशी मुझे। सो फाइनली इसका भी गूगल एडसेंस आ गया। मेरा तो पहले ही आ चुका था, अभी इसका आ गया। बहुत देर हुई आने में, आए तो सही। लेट आया नहीं, पहले लेट आया ना, इतना टाइम तो लगा है। पागल बल्कि अपना तो बहुत जल्दी आ गया। और पाँच छः दिन हो गए हैं, पाँच छः दिन में आ गया। और अगर देखा तो महीना लग जाएगा। गूगल एडसेंस आता नहीं अपना है ना, वो नज़दीक है, गुरुग्राम से आता ही है क्योंकि गूगल का जो ऑफिस है वो गुरुग्राम में ही है। तो यहाँ से हरियाणा से तो नज़दीक ही है, इसीलिए हमारा जल्दी आ जाता है। औरों का तो महीना पता नहीं कितना लग जाता है। पता नहीं ये मुंबई से आया है या फिर गुरुग्राम से आया है, ये भी नहीं पता। इसका मुंबई से आया है, गोरेगांव मुंबई से आया है ये। लिख रखा है इसका एड्रेस है गोरेगांव मुंबई। तो ये मुंबई से आया है, गुरुग्राम से नहीं आया है। तो वही बात है ना, आजकल टेक्नोलॉजी स्पीड पोर्ट सब ज़्यादा हो गई है। हवाई जहाज से आ गए दिल्ली से यहाँ पे। अच्छा है टीनी, देख बच गया। यो भी तो जम्मा पैरा माँ का बेटिया है। क्यूट है टिन, शर्मा रहा है। ना केले नहीं खाने ठंडे, केले ठंडे हैं तो ठीक तो हो जा पहले, फिर खाइयो। कोई नहीं, आगे रेगुलर करियो एक्सरसाइज ना, तो सही रहेगी। चाय बना ले। जीभ देखिए कड़बड़ी काट रखी है। तो आज हम आए हैं पिज्जा खाने के लिए, इनके ऑर्डर थे। तो फिर पिज्ज़ा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर चलते हैं घर। आजकल मैं व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ, अभी कुछ रीज़न है बताऊँगा। कल हम जाएंगे इसको लेके, इसको डोनट खाना है, तो हम दूर जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे। मैं भी हूँ। तो स्पेशलिस्ट की डिमांड है, लड़ दो। तो इसको डोनट खाना है, इसने डोनट नहीं खाया। मेरे को तो पसंद है, मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था वो डोनट। रुखा के खाएगा, दुख दिया कर नू खाया था। और कैसे खाते हैं चाचा ने, मेरे को खा गया। चॉकलेट डाल के ही दिया था गर्म करके, मज़ा नहीं आया। बाकी तो देखियो क्या पता तेरे को पसंद आ जाए। सही, मैं तुम्हें पसंद आएगा जरूर। वाह, किस लाग में? ये है मेरा न्यू लुक। तो कमेंट करके बताना कैसे लग रहा हूँ, बड़े वालों में ठीक था या छोटे में? मम्मी का रिएक्शन। टेलू
Hey guys, welcome to another new vlog. काफी दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ. आई नो बहुत क्वेश्चन है सबके, क्यों वीडियो नहीं आ रही थी एंड ये बालों का मैंने क्या कर लिया. तो सब एक्सप्लेन करूँगा. और वीडियो क्यों नहीं आई उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा. बट फिलहाल अभी गेहूँ लेके आना है क्योंकि गेहूँ ख़त्म हो गया है और ये जो सीज़न है गेहूँ कटने का, उसके बाद ही सब लेते हैं. तो एवरी ईयर हम भी ऐसे लेते हैं मंडी से या फिर किसी से बोल के, जिन जो उगाते हैं उनसे, मतलब खेतों में उगाते हैं जो फार्मर्स हैं यहाँ के, उनसे कॉन्टैक्ट में होते हैं तो उनसे मंगवा लेते हैं. बट इस बार ही बारिश हो गई थी कटाई के टाइम, तो अच्छे गेहूँ नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने बोला कि आप मंडी से ही ले लो. तो अभी हम चलते हैं मंडी, अनाज मंडी, वहाँ से लेके आएंगे गेहूँ. तो चलो अभी फिलहाल वहाँ चलते हैं. अभी आ रहा है मम्मी का बर्थडे, तो मम्मी के लिए गिफ्ट भी लेना है, तो मम्मी के लिए गिफ्ट लेंगे एंड देखते हैं क्या लेंगे और मंडी से अनाज भी लेके आएंगे. तो अभी हम आ गए हैं अनाज मंडी. ये देखो गेहूँ, गेहूँ पूरी सब जगह गेहूँ रखे हुए हैं. हमें लेना है यहाँ से 4 नंबर से. चलो पूछते हैं. गेहूँ तो अच्छे दिख रहे हैं, चलो पूछते हैं इनसे. अभी हम किसी और को बुलाना पड़ेगा ऑटो वगैरह को, तो उसमें लेके जाएंगे हम. वो जा रहा हमारा ऑटो, पीछे पीछे चलते हैं हम. ये आ गया हमारे घर, यहाँ उतार तो दिया. ये अभी मुझे उठा के वहाँ अंदर लेके जाना है. 50 kg ईच, एक कट्टा 50 kg का है, वो कंधे पे उठा के अंदर लेके जाना है. ये बॉडी बनाई है ना जो अभी काम आएगी. ऐसे भारी कामों के लिए सही है. अरे इनो खादे लक्ष्मी में खोए पे. अरे पकड़वा लेगी ना एक तरफ तय, क्यों क्या पागल है क्या? भारी है फिर ज्यादा. हनुए ले आओ. हाँ ले आ. दो भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ. इतना तो जाता है. आवी जावो गुजरात जाऊंगा, लद्दाख जाऊंगा, सब भी तो काट लूंगा, मनाली जाऊंगा, मनाली जाऊंगा पहले तो. मनाली आपको नजदीक है. शिमला भी है लक्ष्मी. शिमला मनाली. अभी हम आ गए हैं मार्केट मम्मी के लिए गिफ्ट लेंगे. तो चलो अभी गिफ्ट लेते हैं पहले मम्मी के लिए. हैं नगण ये देखो कैसी है. तो हम इसको रैप करवा लेते हैं गिफ्ट रैप में ताकि मम्मी को दे सकें हम. चलते हैं अभी.
शॉप पे जहाँ पे ये गिफ्ट रैप होएगा। चलो, ये सारे लड़कियाँ के दुश्मन आ कर रही हैं गुड़िया, इन्हें तो देखते हैं सब बोला छोटे आ करें नू जी करें ना गेड़े गेड़े का मार दी। हाँ कातिया बिच्छू आई एम ओम बच्चा, बचपन में मैंने बहुत मारी है। जल्दी जल्दी से हैं, हाँ छले गिफ्ट रैप कोक टेस्ट। आ गया हूँ स्टेशन पे, देखते हैं टिकट का प्रोसेस, वही तत्काल में लेनी पड़ेगी, उसके लिए नंबर लगाना पड़ेगा आज, फिर वही दोबारा से करना पड़ेगा सारी चीज़ें, देखते हैं अभी चलो नंबर कितने लगे हुए हैं। मैंने अपना नाम लिख दिया है और नंबर भी, ताकि कल मैं आके फिर टिकट ले सकूँ। यहाँ पे लगा देते हैं इसको, तो अभी नंबर तो लगा दिया है मैंने, कल सुबह आके देखते हैं अभी, तो कल टिकट मिल जाएगी तो अभी परसों फिर गुजरात। एंड ये दोनों यहाँ पे खड़ी, देखो चले दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हो, फ्लैश है हमारे फोन में देखो। हैं ये चल रही है चाय पार्टी, ये चिप्स चाय और ये सामान लेके आए थे हम। कल है मम्मी का बर्थडे, तो कल बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे मम्मी का। आज की जो वीडियो है मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं कल। चैनल पे नए हूँ तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, टिल देन टाटा बाय बाय। तू क्या दास है।